हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिसाइकल बेडशीट। सो मैंने इसमें यूज़ किया है कॉटन का फैब्रिक, मेरे पास कुछ पीसेस थे तो उसी से मैंने बनाई है बेडशीट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ ये मेरे पास कपड़ा है, ये मुझे बहुत ही पसंद था, ये कुछ पीसेस में था और इसकी विड्थ थी 46 इंचेस। तो मेरे बेड है किंग साइज़ में, तो किंग साइज़ के लिए 46 इंचेस बहुत कम है विड्थ। तो मैं इसके बीच के सेंटर में ये दो पल्ले जोड़ूँगी। तो यहाँ जो मेरे दो पल्ले हैं उनकी रॉ एजेस से मैं इनको स्टिच कर रही हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं इतनी सफाई से मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। सो ये है मेरे सेंटर में जो मैंने स्टिच किया है वो चीज़। एंड मैं इसके ऊपर से भी स्टिच कर रही हूँ क्योंकि इसको एक बहुत ही अच्छा सा लुक देने के लिए और जिसे कहते हैं पक्की सिलाई वो करने के लिए। और ये थोड़ा सा ना ऐसे उठा उठा नहीं होगा, ये बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलाई में ना स्टिचिंग में तो कुछ मेरी मम्मी हेल्प कर रही हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है। मैं उनसे पूछ पूछ के कर रही थी कि अब क्या करूँ अब क्या करूँ, तो शी इज़ लाइक ला दे मैं ही बनाती हूँ। तो आधा उन्होंने बनाया था। तो ये साइड से मैंने फोल्ड भी कर लिया है, जो बेड की साइड्स होती हैं वो भी फोल्ड कर लिया। तो यहाँ मेरी बेडशीट रेडी थी। तो यहाँ मैं फ्रिल बना रही हूँ। तो फ्रिल के लिए मेरे पास ये पल्ला था जहाँ पे मैंने 7 इंचेस लिया है और उनको मैं पल्लों को फाड़ के ऐसे जॉइन कर दूँगी। ऊपर से भी सिलाई लगाऊँगी क्योंकि वही ना बहुत ही मतलब उठा उठा ना रहे, ये एकदम सही सा रहे। तो यहाँ पर ये मेरी मम्मी प्लीट्स बना रही हैं जो मेरे को बेडशीट में फ्रिल लगानी है ना उस चीज़ के लिए। तो यहाँ मैं ऐसे प्लीट्स बना बना के तब मैं अपनी बेडशीट में अटैच कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 6 पल्ले लिए हैं ये, क्योंकि 2 एक साइड में आएंगे, 2 दूसरी साइड में और 2 सेंटर मतलब जो फ्रंट साइड है वहाँ पे, क्योंकि बैक साइड में मैं यूज़ नहीं करूँगी, वो फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ मैंने नीचे में ना पीको भी कराई है, मैंने मशीन से फोल्ड नहीं किया है, आप चाहे तो फोल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट में अपनी ये फ्रिल को अटैच कर दूँगी मतलब पूरी तरह से। और मैंने अपर पार्ट से ना मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने थोड़ा सा ना ये छोड़ा हुआ है, मतलब अपर पार्ट से मैंने थोड़ा सा गैप लिया हुआ है क्योंकि हमें वो चीज़ फोल्ड करनी है, राइट। एंड सेम मैंने वही हर स्टिच में यही किया है कि जहाँ भी मैं स्टिच कर रही हूँ ना वहाँ पे मैं ऊपर से भी सिलाई कर रही हूँ, जिससे वो बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही जिसे कह सकते हैं सफाई फिनिशिंग अच्छे से आए। तो यहाँ मैं पिलो कवर बना रही हूँ और मैंने इसका पैटर्न भी आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे मैं रफली उसको ऊपर से काट दूँगी क्योंकि ये डबल फोल्ड हो गया है, सॉरी ऑन फोल्ड हो गया है और 2 साइड से रॉ एजेस है। तो उसको कट करके जस्ट नॉर्मल मैं स्टिच कर दूँगी, वही सेम स्टिच कर दूँगी एंड ऊपर से भी मैं इसको स्टिच कर दूँगी, जिसे कहते हैं पक्की सिलाई। तो बना लेते हैं अभी बेडशीट ये पिलो कवर। तो यहाँ मैं ये स्टिच कर रही हूँ बहुत ही, एंड मैंने जो गैप दिया है वो 1-1 सेंटीमीटर्स का गैप दिया है और जो ऊपर से स्टिचिंग की है ना मैंने वो 0.5 सेंटीमीटर्स का गैप देके की है।
तकिए के कवर एकदम रेडी हो गए हैं। अगर आपने मेरा इससे पहले इसी रिसाइकल बेडशीट का पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वो मेरी सबसे फर्स्ट वीडियो थी जो मैंने अपलोड की थी यूट्यूब पे। तो ये है मेरा तकिए का कवर, देखिए ये स्टिचिंग है और ये ऊपर से ये ऐसे आ रहा है कुछ। मुझे बनाते हुए बहुत खुशी हो रही थी पता है, क्योंकि ये कपड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने इसको ख़रीदने के लिए मैंने पीस पीस भी ख़रीद लिए थे। सो ओके मूविंग ऑन, तो मैं आपको अपनी बेडशीट भी दिखाती हूँ और पूरा अपना बेड दिखाती हूँ कैसा लुक आ रहा है मेरे बेड का। तो ये यहाँ पे मेरे फ्रिल्स हैं और मेरे साइड से ना ये बहुत ज़्यादा नीचे आ रहा था, एक साइड से नहीं। एक्चुअली मुझे ना तो पूरा कवर कवर वाला बहुत अच्छी लगती है बेडशीट, तो मैंने अपनी साइड ही पूरा कवर किया हुआ था, दूसरी साइड मैंने बहुत कम छोड़ा हुआ था। यू नो थोड़ा वो प्रिंसेस वाला वो आता है ना कार्टून्स में, उनके बेड्स होते हैं, तो ये कुछ मेरा बेड ऐसा लग रहा है। और आप जैसे कि आप देख सकते हो ना, आपको सेंटर लाइन का पता नहीं चलेगा कि बीच से जोड़ लगाया हुआ है, राइट। तो ये देखिए ये जा रही है हमारी लाइन और इसमें पता भी नहीं लग रहा है। तो ये रहे मेरे दोनों तकिए के कवर और बहुत ही सही आए हैं मेरे तकिए पे। मैं सोच रही थी पता नहीं कुछ ज़्यादा बड़े ना हो जाए, कभी छोटे ना हो जाए। सो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरा बेड, सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।